अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं सब फ्रेंड्स के साथ शेयर करना चाहूँगी एक हेयर रिमूविंग क्रीम। इससे पहले भी मैंने एक हेयर रिमूविंग क्रीम शेयर की है जो कि नॉर्मल स्किन के लिए है और वो भी वीट थी। ये वाली हेयर रिमूविंग क्रीम जो है वो ये ड्राई स्किन के लिए है और सिल्क एंड फ्रेश ड्राई स्किन। एक फ्रेंड ने मुझसे सवाल किया था कि हम कैसे चूज़ कर सकते हैं कि हमें कौन सी हेयर मूविंग क्रीम को लेना चाहिए, उसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो मैं आप सब फ्रेंड्स को ये बताऊंगी कि जैसे आप सबको पता होता है कि हमारी जेल किस टाइप की है, ड्राई है, ऑयली है, नॉर्मल है, सेंसिटिव है, कम्बिनेशन है, हम सबको ये चीज़ अच्छे से मालूम होती है। अब ज़रूरत ये होती है कि हम किस तरह से वो क्रीम हम ख़रीद सकते हैं, तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे लिखा होता है ड्राई स्किन या सेंसिटिव स्किन या ऑयली स्किन या नॉर्मल स्किन, यहाँ पे ये चीज़ मेंशन की होती है। ये देखें, ये देखें, तो ये जो वीट है इसकी डिफरेंट पैकिंग आती है, इसमें छोटी होती है, बड़ी होती है, उससे भी बड़ी होती है, यानी तीन साइजेस में ये आती है। और मेरे पास जो है ये 50 ग्राम की है और ये परचेज़ की थी मैंने 180 की। ये देखें, 180 की मैंने ये परचेज़ की थी। आप सब फ्रेंड्स को भी मैं दिखा दूँ, ये देखें 180 की। और यहाँ पे ये चीज़ मेंशन की होती है कि इसकी एक्सपायरी डेट क्या है, तो प्लीज़ आप जब भी परचेज़ किया करें तो ये चीज़ आप ज़रूर देखा करें, क्योंकि आपकी स्किन का मामला आता है और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप इन चीज़ों को देखें और केयर करें। अब बारी आ जाती है इसका तरीका इस्तेमाल क्या है। इसका तरीका इस्तेमाल ये होता है कि आपने जहाँ से बालों को रिमूव करना है आप वहाँ पे इस क्रीम को अप्लाई करेंगे, अप्लाई करके आप इसको छोड़ देंगे। और उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है 3 to 6 मिनट्स, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, 3 से 6 मिनट के लिए आप उसको लगा रहने दें। मैं आप सब फ्रेंड्स को ये रिकमेंड करूँगी कि आप सब फ्रेंड्स 6 मिनट के लिए इसको जो है वो लगा रहने दें बजाय के 3 मिनट के लिए, क्योंकि उससे ये होता है कि आपके बाल रिमूव नहीं होंगे, आप रीअप्लाई करेंगे, आपकी स्किन ख़राब होगी। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप एक चीज़ को थोड़ा सा टाइम दे दें ताकि आपको रिज़ल्ट 100% मिले। ठीक है, मैं आपको खोल के भी दिखा देती हूँ। और ये है क्रीम, ये देखें क्रीम वीट। और इसके अंदर ये जो दिया गया होता है ना ऐसे प्लास्टिक का, तो आप सब जो हैं वो उसी से बालों को रिमूव किया करें। यानी जैसे अब मेरे हेयर्स हैं, मैं आपको दिखा दूं, ऐसे हैं, इनकी डायरेक्शन ऐसे है, तो इसको मैं ऐसे ही लगाऊंगी और जब टाइम पूरा हो जाएगा तो मैं ऐसे करके करूंगी तो यहाँ से बाल रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, ये मैंने बाल इसलिए यहाँ से बढ़ाए हैं, आप सबको वैक्सिंग की वीडियो में दिखाना चाह रही हूँ कि हम किस तरह से वैक्स कर सकते हैं, फिंगर वैक्स कैसे कर सकते हैं और हार्ट वैक्स कैसे कर सकते हैं। इसलिए मैं चाह रही हूँ कि बालों की ज़रा यहाँ पे ग्रोथ हो जाए ताकि आप सब ज़रा अच्छे से देख सकें। अदरवाइज़ मैं बहुत नीट एंड क्लीन रहती हूँ और अच्छे और साफ सुथरे से जो लोग होते हैं वो मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं। इंसान को अपनी सफाई का ज़रूर ख्याल रखना चाहिए और इसीलिए कहती हैं कि सफाई निफ्स ईमान है।
होप सो आप सब फ्रेंड्स को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो ज़रूर शेयर कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें ताकि आप सब फ्रेंड्स को मेरी वीडियो का पता चल सके। और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।